दिन घिर दिया तूने अलंतर कई भाला रब कभी असाबिल फील फील हाथी को कहते हैं। जब उसने सुरे फील शुरू कर दी तो सोचने लगा कल गाय का सुरा पढ़ के एक घंटा लगा दिया है, आज हाथी का सुरा पढ़ के दो घंटा लगा, इसे दिमाग नहीं चला गया। तो मैंने ये क्योंकि आयत पढ़ी है इसमें पांच बातें आपको बता रही है मुख्तसर तौर पे। ये एक रूहानी महफिल है या कोई सियासी जलसा नहीं है। उलमा की मौजूदगी में मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा वहुव मुमिन, जो भी काम करे अच्छा मर्द हो या औरत वहुव मुमिन। इसको वाव अरबी ग्रामर में इस वहुव को यानी वाव शर्तिया कहते हैं, वो मोमिन हो अमले साले करे मर्द हो या औरत वो मोमिन हो। तो खुदा फरमाता बलंग हुयन हम हयातन तय्यबा, हम उसे दुनिया में भी पाक जिंदगी अता करेंगे मोमिन के लिए, आखरत में भी पाक जिंदगी अता करेंगे। वला नरजुकन हम रिज़्कन हसना, और दुनिया में भी हम रोजी देंगे आखरत में भी देंगे। तो एक काम हमारी खुशकिस्मती सबसे पहले दनियोर मोहम्मद आबाद और सुल्तानाबाद के आवाम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। बड़ी तमन्नाओं के बाद एक साफ पानी हमारे पास आया है। उस पानी की हकीकत क्या थी एक मुख्तसर सा वाक्य में बताऊंगा बाद में। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने इस फिक्र को, चूंकि वो खुद डॉक्टर थे, पानी की अहमियत का पता था, उन्होंने इसको चुन लिया। और मैं उन हजरात को की मुज़म्मत करता हूँ जिन्होंने हमारी कौम को इस पानी के हवाले से अदालतों के चक्रों में फंसा दिया है। ये नहीं होनी चाहिए, ये खैराती काम है। इकबाल आज नहीं होंगे, कयामत तक जब ये पानी होगा तो इकबाल का नाम जिंदा रहेगा। और मुसलमान वहुवा मोमिनुन, मोमिन होके अल्लाह और रसूल पर ईमान रखने के बाद अमले सारे बजा लाए इंसान, तो उसके लिए ये दो, यानी खुदावंद आलम ने कहा कि पाक व पाकीज़ा जिंदगी अता करूंगा, रिज़्क़ हसना अता करूंगा। अब ये है कि भाई जिन लोगों ने खुदा को नहीं माना है, खुदा को मानते नहीं है, यहूदी है ईसाई है, हमसे ज्यादा बेहतर काम करते हैं, उनको क्या मिलेगा? खुदा उनको दुनिया में नाम देता है, आखरत नहीं है। ये कोई मोहम्मद तकरीर या खेते की बात है, यानी सिनाम कैसे जिंदा रहेगा? आप देख लेंगे डॉक्टर गुल्फाओं में सुना होगा पाकिस्तान में रही, खिदमत की करने के बाद और वो मर गई, तो सुल्तानाबाद में उसके नाम के साथ एक कॉलेज रुफाव बन रहा है। ये उस दुनिया में उसकी शोहरत है। खुदा इसी तरह उनको याद कर दे। आखरत तो अलग हिसाब, वो अलग इल्मी बेस भी है, अखलाकी बेस भी है। दूसरी बात यह कि बगरोड के हवाले से मुनीका नामी खातून जिसने वहां काम किया, जब आखिरी बार शादी करके आई तो वो मेरे पास आई मियाँ के साथ। तो मेरी दो किताबें थी, इस्लाम की लिखित में और जिंदगी की गारा। वो मुझसे लेके गई, कहा कि भाई ये आपका तोहफा है, मैंने यहाँ इतने साल गुजारे हैं और मैंने खिदमत की है शना जबान के हवाले से, लोगों के हवाले से। आज मैं सुन रहा हूँ कि बगरोड में भी यानी उसके नाम से कालिब बन रहा है। ये दुनिया में उनकी शोहरत है, किसने बनाए क्यों बनाए वो अलग मौजू है। खुदा का ये वादा है मोमिन होकर अमल साले करे तो दुनिया में भी, दुनिया लाख चाहे न चाहे इकबाल को उसका नाम आ गया है। एक रोड बनाया पिछले उलमा के दौर में मजहबी ने, आज इकबाल रोड जिंदा है, ये कयामत तक रहेगा। एक पानी आया लेके आया डॉक्टर से खुद, और पानी की हकीकत क्या है
मैं दिल्ली में होता था, अब भी भारत एक नाल का एरिया है, तीन उसके देसी मकान थे। मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के तीन बंदे आए, एक डॉक्टर ई एम थे, लंगड़ाते हुए एक महीना वहीं रहे और उन्होंने रिसर्च किया पानी पे, दनियोर के पानी पे। मैं आपको एक तारीखी हकीकत बता रहा हूँ। रिसर्च किया करने के बाद वो जाकर हर बुल्क में कुएं में जाता था पानी ले आता था, हर चश्मे में जाता था, नाले में जाता था पानी लाकर। उस वक्त बिजली तो थी नहीं, मट्टी के तेल की मशीन के अंदर पानी भी और खून निकाल के लोगों का वहाँ वो रिसर्च कर रहे थे, महीने भर रहे। और फीका मीठा ये लफ्ज उसे आते थे डॉक्टर इन को ई एल, तो वो उन लोगों से पूछा पानी पिला के। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा अपने खानदान के अंदर, कुकू जो है जिसे ग्लेटर कहते हैं, किसी के अंदर एक छटांग था, किसी के अंदर पाव था, किसी के अंदर आधे चलो था, गले में खुशूस इसमें। बाकायदा रिसर्च करने के बाद, खून लेके तहकीक करने के बाद, उन्होंने एक ग्लिसरीन जैसी दवाई सबके शरीर पे लगा दी। आप खुदा पे यकीन करें, महीना नहीं गुजरा था सबके हुए पाव और आधे किलो कुकू जो है खत्म हो गए। आज कुकू की बीमारी है नहीं इस इलाके में। और मैंने ये पूछा कि भाई ये कुकू के पीछे क्यों पड़े हैं, कहा कि दनियोर के अंदर जो पानी आ रहा है उसके अंदर बैक्टीरिया और सारे जरासीम ही जरासीम। हमारी जिम्मेदारी ये थी हम इस कुकू के बारे में रिसर्च करें, तो हम सामान लेके आए गवर्नमेंट की, हमने रिसर्च कर ली, इसके अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं। और जब तक इस पानी को साफ न किया जाए, साफ करके उबाल कर न पिया जाए, तो ये पानी इंसानियत इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है। कहा कि खुदा ने फरमाया है कि हमने पानी के जरिए से इंसानियत को, हैवानों को, सब्जा को हमने जिंदा कर दिया, कुल सही रहा, हर चीज जिंदा कर ले। अब पानी के अंदर बैक्टीरिया भी है, जरासीम सब कुछ है, तो इसको समझने के लिए अकल और दिमाग की जरूरत है, खुलूस और मारिफत की जरूरत है। डॉक्टर ने खुलूस दिखाया, वो खुद डॉक्टर थे, चीज मैं खुद दिया हूँ। जब हम छोटे होते तो पूछते थे कि भाई दरबन खंड में कितना है, कहते वहां तक रोजा कसर होता है, यानी 14 के मील हो तो रोजा कसर होता है आने जाने में। तो वहां से पानी लेके आए उस जगह से, वो पानी यहाँ अभी हमने पिया भी, और पीने के बाद हमने शुक्रिया अदा किया कि खुदावंद आलम ने सुल्तानाबाद, मोहम्मदाबाद और दनियोर के लोगों के किस्मत में ये साफ व शफाफ पानी मुयसर कर दिया है। इसका एहतराम हमने करना है, सिर्फ इस पानी का नहीं, और भी पानी। रास्ते में कोई बता रहा था आप जा रहे हैं तो पेपर फेंकते हैं, यहाँ प्लास्टिक फेंकते हैं, पानी गंदा होता है। वो मुसलमान है तो किसी दूसरे मुसलमान को नुकसान नहीं देगा, अगर उसका ईमान कमजोर है तो वो जगह गंदी हो जाएगी। ये तो एक मखसूस पानी है। तो बस आखिर यहाँ तक मेरी गुफ्तगू खत्म, उलमा बैठे हैं वो अपने मुदल्ला असलम से बात करेंगे। मैं एक बार फिर आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस्तेमाल करते हुए इन एहतियात से काम लेना है और अंदाजे से काम लेना है, आम पानी की तरह नहीं, इसकी कदर करनी चाहिए। और दूसरी बात, ये डॉक्टर का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये फिक्र दिया और दनियोर के लिए एक कीमती चीज जो जिसका जिक्र खुदा ने कुरान में कर दिया, हमने पानी के जरिए सारे कायनात को जिंदा कर दिया। खुदावंद आलम हम सबको तौफीक दे कि हम इस पानी का एहतराम करें और उस पर अमल करने की कोशिश करें।